नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। एंड जेंटलमैन, इंडो ब्रिटिश फिल्म सोसाइटी की तरफ से मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि बदला फिल्म की रिलीज के लिए आपके चहेते कलाकार महेंद्र कुमार खुद लंदन तशरीफ लाए हैं। मुझे मालूम है कि आप उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए कितने बेकरार हैं, इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए मिस्टर एंड मिसेज महेंद्र कुमार से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए और आपको अपना संदेश दें। Mr. and Mrs. Mohinder Kumar. आपने मोहब्बत से बुलाया और हम हाजिर हो गए। दोस्तों, मैं जब भी कभी किसी फिल्म में काम करता हूं तो मुझे यह ख्याल कभी नहीं भूलता कि आपकी मोहब्बत मेरे साथ है, आपकी उम्मीदें मेरे साथ हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, चाहे कुछ पल के लिए ही सही आपके दिल से बातें करूं, आपको खुश। दोस्तों, जिस तरह आप पर्दे पर मेरी तस्वीर देखने का इंतजार करते हैं, यकीन मानिए उसी तरह मैं भी इस मौके का बेकरारी से इंतजार करता हूं। जब आपके साथ आमने सामने मुलाकात होगी, आप मुझे देख सकेंगे और मैं आपको देख सकूंगा, क्योंकि आपका और मेरा दिल का नाता है ना? दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी हूं, जहां कहीं भी पहुंच पाया, ये सब आपकी मोहब्बत और दुआओं के खातिर हुआ है। लेकिन आपकी खिदमत करने का ये मौका मुझे कभी नहीं मिलता अगर एक शख्स मेरे साथ ना होता। दोस्तों, मेरी पत्नी कल्पना जी से मिली, जिनकी कुर्बानी और मदद की बदौलत ही आज मुझे आपकी तारीफ के काबिल करने का मौका मिला। ये भी आपकी आदि फिल्म बाकी है और यकीन मानिए फिल्म है भी बड़ी अच्छी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अब मुझे इजाजत दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मैं इसी तरह आपकी खिदमत करता रहूं और आपकी मोहब्बत आपकी तारीफ के काबिल बना रह सकूं। निशान पूछ लीजिए। काहे के? लिपस्टिक्स की। हाय पापे, कुड़ियां तुझ पे बुरी तरह मरती। महेंद्र जी, आप तकरीर बड़ी कमाल की देते हैं, स्टेज पर जो आपके लफ्ज जादू उठाते हैं उनका भी जवाब नहीं। आपको तो इलेक्शन में खड़े होना चाहिए। सच? ऐसी छोड़िए इलेक्शन की बात। जनाब, कांग्रेस वाले कितनी बार पीछे पड़ चुके हैं और सीट भी ऑफर कर चुके हैं, पर ये पॉलिटिक्स का काम ऐवें ही, ये ईमानदार आदमी का काम नहीं है, इसीलिए अपना हीरो इनकार करता रहा। कितने बजे तक चलेगी पार्टी?
अजी कल्पना जी, अभी तो रात जवान हुई है, 2-3 बजे तक तो जश्न जोरों पे चलेगा ही। जल्दी निकल लेना महन प्लीज, कल आपको शूटिंग पे भी जाना है। ओह श्योर जाने मन, ऐसी भी क्या बात है। अजी मैं इनको 10 मिनट में लेके आया हूँ गोल्डन जुबली से, आ गए हैं। चलिए आइए अंदर, चलिए आइए बैठे हुए चलते। ओह फाइन नीलम, व्हाट आर यू डूइंग हियर? देख लो जहाँ तुम वहाँ हम, यू नो रमेश माय हस्बैंड। हेलो, हम लोग भी 3 हफ्ते पहले यहाँ। अच्छा शादी भी कर ली और बताया तक नहीं हमें? अभी 2 ही महीने तो हुए हैं शादी को। रमेश यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में है, अभी फिल्म प्रोड्यूस करना मांगते हैं। आई सी, और कहाँ? हाय माला, कहाँ कहाँ? बहुत अच्छी जगह। आई सी महेंद्र जी, ये माला है, माला लेखी, यहाँ की बहुत बड़ी कैबरे डांसर है और फिल्मों में काम करना चाहती है। हेलो माला। हेलो माला, फूलों की माला या हीरे मोती की माला? कहाँ कैबरे करती है? पेंटहाउस में। अरे भाई ये भी तो पेंटहाउस ही है ना चौराड़िया साहब? है जी, है। क्यों नहीं? जी पेंटहाउस क्लब में। पेंटहाउस क्लब में, अरे भाई तो इसे भी पेंटहाउस क्लब समझ लो और कुछ डांस वा दिखा दो हमें भी, हम सभी यहाँ दिलदार लोग हैं, है ना भाई? ओके फाइन वन। और कहाँ भाई? अंदर हॉल में चलिए, जगह ही जगह है और साज और आवाज भी है। Hold me tight.
The place is right, hold me tight. I'm all for you, oh baby. I have a crush on you. चले तो मैं माला। थैंक यू आओ बैठो। आइए आइए। अच्छा माला, कहाँ चढ़ने वाली माला हो तुम? भगवान की मूर्ति के गले में या पुजारी के? जहां भी माला की जरूरत हो। ऐसा? प्यार का सौदा आपके सबसे पहले दे लीजिए। प्लीज आपका ड्रिंक। प्यार का सौदा में तो आपने कमाल ही कर दिया महेंद्र जी, बहुत अच्छा काम किया। मुझे एक ही डायलॉग याद है आपका महेंद्र जी। महेंद्र जी कितने हैं ये ऑटोग्राफ प्लीज? आपने बहुत सुंदर साड़ी पहन रखी है, रियली ब्यूटीफुल। आपको तो खुद ही फिल्मों में काम करना चाहिए। जी मुझे फिल्में पसंद है। सच? आपको फिल्में नहीं पसंद? कल्पना जी, अंदर मीटिंग चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। चंद्र जी आप ऐसा कीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं वापस होटल जा रही हूँ, साहब को लेकर किसी दूसरी गाड़ी में आ जाइए। ओके कल्पना जी। माला तो बड़ी अच्छी माला है। माला तुझे पार्ट मिलना पक्का हो गया। क्या टाइम है? टाइम हुआ है 12:30। Oh, Mahendra, you're impossible. I love you, Kalpana. I love you, Kalpana. Kalpana, I love you. I love you, Kalpana. I love you.
I love you, Kalpana. I love you, Kalpana. Kalpana, I love you. Kalpana. Oh boy. उसकी शादी देखी थी उसकी उस लड़के की जो नाची थी baby I have a crush on क्या चाहतियां थी my god चाहतियां नहीं चाहते थे चाहते चाहते umbrellas to cover you up रूम 346 प्लीज। हेलो। हेलो डेविड। जी मैम साहब। देखो हम बाहर जा रहे हैं। साहब को 10:30 बजे जगा कर तैयार करवा देना। जी मैम साहब। नाश्ता करती हूँ उन्हें शूटिंग पे जाना है। हम बाजार जा रहे हैं उसके बाद पोर्ट्रेट कर रहे हैं। नाश्ता नहीं करेंगे। और खाना? नहीं खाना भी नहीं खाएंगे। ओके? जी मैम साहब। सो रहे हैं साहब। जगाना है यार। 10:30 बज चुके हैं। पूरा यूनिट लोकेशन पर आ पहुंच चुका है। आप साहब चंद्र साहब अभी थोड़ी देर में निकलेंगे साहब यार 12:15 बजे हैं अभी सोए भी रहे थे यार नहीं साहब साहब सो नहीं रहे बाथरूम में अभी निकलेंगे 15 मिनट यार डेविड 5 घंटे पहले तुमने यही कहा था कि साहब बाथरूम में कुछ करो ना भाई अभी सच्ची बाथरूम में साहब अभी निकलेंगे फौरन प्लीज डेविड साहब बुलाता है साहब अभी हम रखेंगे साहब आप हरी मत करो हम उन्हें थोड़ी देर में भेजेंगे हम बाय बाय साहब डेविड जी साहब सुनता नहीं है क्या कब से बुलाया चंद्र साहब का फोन था थर्ड टाइम फोन करता था सब लोग इंतजार करते हैं शूटिंग पे आपका हाँ ठीक है नाश्ता लगाओ चंद्र साहब को बोलो 1/2 घंटे में निकलता है नाश्ता रेडी है ओहो तो कपड़ा निकालो निकलता है ना ठीक है हेलो मनीषी ओ हाय माला कम इन गिव मी दिस नाश्ता करूँ? नहीं करके चली थी करके चलो बैठ मैं आ रहा हूँ अच्छा चंदर यस गाड़ी तैयार है यस टाइम क्या हो रहा है 1 बजने में 10 मिनट बाकी अभी चलते हैं 10-15 मिनट ओके सो सिगरेट नहीं थैंक यू क्या लजीज चीज लग रही है थैंक यू फील लाइक ईटिंग अप यार चंदर आज कुछ जी ठीक नहीं है तबीयत भी बहुत थकी हुई है और फिर माला भी इतनी दूर से आई ना यार शूटिंग का मन नहीं कर रहा तू समझा देना चंद्रा को माला चंद्र जी के कमरे में चलकर गपशप मारते हैं यहां टेलीफोन बोर करते रहेंगे What a lovely view. Yes, it is. Isn't it? Okay, Mahendra ji, मैं चलता हूँ. मुझे टेलीफोन अटेंड करो.
ओहो, छह बार तो तू रीडिंग ले चुका यार, इतनी देर में तो तू होटल जाके जीरो की रीडिंग लिया था। सॉरी सर। हाँ डायरेक्टर साहब। हाँ सर। मैं, क्या हो रहा है आपके राज में? मैं तो बिल्कुल तैयार, मेरा तो दूसरा शोर भी तैयार है, वो महेंद्र जी कहते फटाफट। चंद्रा साहब, मैं 12:13 बजने को आए यार, कुछ तो ख्याल कर देते, आज मैं सो लेता तो कुछ छोड़ दिया। कहाँ गए वो? सॉरी साहब, मैंने उनको टेलीफोन किया था, उन्होंने कहा कि टाइम से पहुंच जाएंगे। टाइम से पहुंच जाएंगे? मैं आज तक टाइम से पहुंचे हैं वो? यार क्या कर रहे हो तुम, क्या कला खुश हो रहा है? कुछ पानी वानी कुछ है पीने के लिए? भाई महेंद्र जी ड्रिंक दो, पढ़ लो ड्रिंक दो। ओहो थैंक यू माय लॉर्ड। देखो बड़ी देर हो रही है और देखो डाइट खराब हो रही है, टेलीफोन करो ना उनको। मैं जरूर टेलीफोन करता हूँ साहब। चंद्र जी, मैं चंद्रा, निकले नहीं तुसी अभी? आज शूटिंग कैंसिल कर दीजिए चंद्रा साहब, महेंद्र जी की तबीयत ठीक नहीं। चंद्र जी मैं मर जाऊंगा, सब लोग आ चुके हैं, शॉट कंपोज हो चुका है और सईद साहब भी रेडी खड़े हुए हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए, उन्हें भेज दीजिए वरना मेरी डेट मारी जाएगी, 5,000 pounds नीचे हो जाऊंगा। यार मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, आप समझते क्यों नहीं? उनकी तबीयत ठीक नहीं, और तबीयत ठीक नहीं तो शॉट कैसे देंगे? आने जाने में तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई, तो कल के काम से भी गए। आज उन्हें आराम कर लेने दीजिए, मैं कल उन्हें टाइम पर ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। पर सही साहब भी तो यार, सही साहब से काम करवा लीजिए ना महेंद्र साहब का। इस आर्टिस्ट में वाकई जान है, इसकी पेंसिल से निकले रंगों में सांस है। Here you are. सुनिए, आपकी तस्वीर बना सकता हूँ? मेरी? जी मुझे नहीं, मेरी तस्वीर किस लिए? आपकी तस्वीर इसलिए कि आप कल्पना है। जी आपको मेरा नाम कैसे मालूम? जी आपका नाम कल्पना है, कमाल हो गया, किस इत्तफाक से आपका नाम पता चल गया? जी मैं तो कल्पना यानी इमेजिनेशन की बात कर रहा था, मेरी इमेजिनेशन की, यानी आप में मुझे एक पल को वो सब कुछ नजर आया जिसकी मुझे कल्पना थी। जी नहीं, शर्म लगती है। शर्म? तस्वीर ही तो है। इतने लोग हैं आसपास। तो क्या हुआ, सभी बनवाते हैं, आइए मैं जल्दी बना दूंगा। शायद से पैसे की जरूरत होगी, इसी तरह से कुछ मिल जाएगा। बोलिए। ऑलराइट आइए बैठिए प्लीज। यही रहती हैं आप? इंडिया से आए हैं? पहली बार? नहीं दूसरा विजिट है। कम वक्त बदले चल रहे, लगता है बारिश हो। इसमें कुछ है जो अपना सा लगता है। आपको आर्ट और पेंटिंग में दिलचस्पी है? बहुत।
ये लीजिए, हो गया काम। जी नहीं, ये तस्वीर मेरी तरफ से। जी नहीं, हरगिज नहीं, ये तस्वीर मैंने कहकर बनाई है, इसे रखिए प्लीज। क्या होगा, बस में ना कोई शीट है ना कोई टैक्सी जा रही है। आइए जल्दी, लगता है जोरों की होगी, मेरे रोल्स में आ जाइए। कोई चेहरा भी तो नहीं है। तो ये है आपके रोल्स। अजी, अपने इसी कटारे से जो सुख मुझे मिलता है वो रोल्स वाले को रोल्स से क्या मिलेगा। आज यहाँ तो बस छुट्टी हो गई। पोर्ट्रेट्स की एग्जीबिशन देखेंगे? कहाँ? ओरिएंटल पोर्ट्रेट करते हैं। पर मैं कहाँ, अभी तो। अजी, अब मेरी फिक्र छोड़िए, आइए चले, दो मिनट में पहुंचते हैं। से ऊपर हो गया, अब तक आपसे ये भी नहीं पूछा कि आप जा कहाँ रही थी, कहीं मैंने आपका काम तो नहीं रोक दिया? जी नहीं, आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि मैं खुद पोर्ट्रेट गैलरी आने वाली थी, एग्जीबिशन देखनी है। अरे इत्तेफाक, माफ कीजिएगा, मैं आपको ये नहीं लेक्चर पिलाता जा रहा था। नहीं नहीं, आपसे मिलकर तो मजा आ गया, आपको जो नॉलेज है पेंटिंग्स की वो तो शायद ही किसी को होगी। छोड़िए, एक बार पूछूं। जी, आपका नाम क्या है? लो, चार घंटे से ऊपर हो गए और अभी तक हमें परिचय भी नहीं हुआ, सिर्फ पेंटिंग पर लेक्चर चलता रहा। जी, मेरा नाम विमल है और मैं लंदन यूनिवर्सिटी में आर्ट का स्टूडेंट हूँ और गुजारे के लिए थोड़ी बहुत पेंटिंग्स की दुकानदारी कर लेता हूँ। कब से हैं यहाँ? कब से? माय गॉड, 15 साल हो गए, आज ही हम यहीं बीत गए। इतनी छोटी उम्र में कैसे आ गए? जी, आया कहाँ, ले आया गया। पिताजी डिप्लोमेटिक सर्विस में थे, सो उनके साथ आना पड़ा। तबादले के बाद वो फिलीपींस चले गए, मैं यहीं रुक गया और बस अब यही हूँ। इंडिया में कहाँ से? लखनऊ। हाँ, लखनऊ में किस जगह से? महानगर के पास रहते थे हम। अरे वाह, वहीं तो मेरा कॉलेज था। अच्छा, तो आप भी लखनऊ के हैं? आज तो इत्तेफाक पर इत्तेफाक हो रहे हैं। जी नहीं, रहने वाले तो हम लोग कानपुर के हैं, शादी से पहले पढ़ती थी लखनऊ। अच्छा, तो आप शादीशुदा हैं? क्या करते हैं आपके पति? एक्टिंग करते हैं, आई मीन फिल्म स्टार हैं। रियली? तब तो आप बहुत मशहूर हस्ती होंगी। आपके पति, क्या नाम है उनका? महेंद्र, महेंद्र कुमार, सुना है नाम? अरे हाँ, नाम तो सुना है मगर फिल्म नहीं देखी कोई। इंडिया में था तो बहुत जाया करता था मगर यहाँ एक आध बार गया हूँ, वक्त ही नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं। आजकल छुट्टी मनाने आए हुए हैं? नहीं, उनकी शूटिंग चल रही है यहाँ और स्विट्जरलैंड में, मैं खुद इसलिए भी आ गई, थोड़ी पढ़ाई कर लूँ। पढ़ाई? इतने बड़े स्टार की वाइफ होने के बाद कैसी पढ़ाई? अरे नहीं, कोई डिग्री विग्री के लिए नहीं, कॉलेज में थी तो भी पेंटिंग सब्जेक्ट था मेरा, यूं ही कंटेम्प्रेरी यूरोपियन पेंटिंग्स के बारे में जरा गहराई से सीखना चाहती थी। मिलावट? मेरे इंस्टीट्यूट में आइए, उससे ज्यादा आइडियल जगह आपको ब्रिटेन भर में नहीं मिलेगी। कौन सी इंस्टीट्यूट है आपकी? रॉयल गिल्ड हॉल। गिल्ड हॉल, वो तो बड़ी मशहूर है। थैंक यू, कब आएंगे? कल। कितने बजे? आप बताइए। 11 बजे आइए, मैं लेने आ जाऊंगा। जी, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके, चले, आइए चले।
कल्पना सही दिया। ओ नमस्कार भाई साहब, कब आए? आज सुबह ही आया और सीधे शूटिंग पे चले जाना पड़ा। भाभी जी भी आई है ना? नहीं मैं अकेला ही आया हूँ। तीन महीने से बार-बार घूम रहे थे ना? घर इग्नोर हो रहा था। टेलिंग मी, मुद्दत हो गई आपसे मिले हुए। और तू कैसी है? जाएगा सब? जी आई एम ऑलराइट। और महेंद्र का? जी शूटिंग में नहीं मिले आपको? वो तो आया नहीं, तबीयत तो खराब है उसकी। तबीयत? जी सुबह तो ठीक थे। I don't know, I don't understand. देखिए ना सुबह सारा इंतजाम करके गई थी। I understand. Now listen कल्पना, तुम किसी ना किसी तरह कल उसे time पर अपने सामने शूटिंग के लिए रवाना कर। बेचारी चंद्रा की हालत देखकर मुझे तरस आ गया। बैठे बैठाए बेचारे के 5,000 pounds का नुकसान हो गया। महेंद्र के लिए भी इस तरह का behavior उसे जचता नहीं है। उसे भी नुकसान होगा बाद में। He's not being very professional. जी, I will, I promise. Where? इस वक्त कहाँ? यहाँ तो नहीं है, मैं अभी भी वापस आई हूँ। वो किसी हिंदुस्तानी सोसाइटी की गैदरिंग में जाने वाले थे, जाने कब से ये लोग पीछे पड़े हुए थे, शायद वहीं थोड़ी देर हो जाए। खैर तू चिंता ना कर। भाई साहब आप आ रहे हैं ना? पर आज मैं नहीं आ पाऊंगा, कल सारी रात फ्लाइट में जागता रहा और फिर सीधे शूटिंग पे चले गए आज सुबह। कल मैं मिलने आऊंगा तुझसे। अच्छा जी ठीक है। अच्छा बाय कर दूंगा। ओके भाई साहब नमस्कार। That was tomorrow's cliffhanger in Parliament. On the queue. Love, 15. All I need. Leave the balance of power with the remaining 6 members of the official unit. क्या हुस्न पाया है। बैठना, होल्ड इट, होल्ड इट यार, बस तेरे तो मजे आ गए कल्पना, सपने पूरे हो गए तेरे। स्टेज की हस्ती तो जनाब है ही, सुना है फिल्मों में भी कदम पड़ रहे हैं। वो कलाकार तू गीतकार, बस सनम की बाहों में बैठी रहा करना और शायरी की शराब बहाती रहा करना। आहिस्ता आहिस्ता। ओके मीनू बहुत दुआ भी दे दे मेरे सिर अब। ओके मैडम। How beautiful. कितनी तकदीर वाली है तू कल्पना, दौलत शोहरत ऐशो आराम सभी कुछ है तेरे पास, कोई अभाव नहीं, कोई अभाव नहीं। तुम्हें क्या मालूम कितना बड़ा अभाव है, सभी कुछ होते हुए भी
बरसों से एक ऐसा अभाव है जिसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। कब आए? अभी है, चलो फंक्शन खत्म ही नहीं होने दिया उन्होंने। आज शूटिंग करने गए, सुना है तबीयत खराब थी। ठीक है सुना, तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं जा पाए। रेडी चंद्र जी? जी रेडी। आयरन कर दिया मैंने आपको, दो एक कप चाय और दो पहले। अच्छा तुम कोट पहने हुए बनाती, चाय ठंडी है यार, गर्म मंगा मेरे लिए। ठंडी फसी महीन अच्छी खासी गर्म चाय, नई चाय आने में और 15 मिनट लगते हैं, ऐसे तुम्हें देर हो रही। तो क्या मुसीबत हो गई? Let's not have any argument on this, okay? Okay, I'm going. David, मैं आज कॉलेज जा रही हूँ। Okay, मैम सर। आज तो आप बिल्कुल और लग रही। क्यों? अच्छी नहीं लग रही? नहीं, बहुत अच्छी लग रही, पर आज आपने वो साड़ी नहीं पहन रखी ना, तो कुछ और तरह की लग रही है। और तरह? I mean, हम लोगों जैसी, students जैसी। Well, that's great, isn't it? चलिए। Okay, that's fine. I'll keep a place open for you for a week. Mm-hmm. But I must know by the end of the week because I can't keep it open any longer. Oh, that's wonderful. I'll definitely know within a week. Fine. Okay, is there anything else? Oh, thanks, Mrs. Hanson. That's fine. I'm indeed grateful to you. Not at all. Thank you so much. My pleasure. Okay, you take your leave now. Okay, then, my boy. Take care. Goodbye, Mrs. Hanson. Namaskar. Oh, Hindi bol lete hain. Tora. Hello. Oh, hi, Jim. So you're here? Yeah. Oh, so you'll be around, won't you? Yeah. See you then. See you later. Yeah.
हेलो मैम. हेलो, पानी लेंगे आप कल्पना? थोड़ा सा. मिस, व्हाट अबाउट यू? बात देखिए, ये आप मुझे कल्पना जी वल्पना जी मत कहिए, बड़ा अजीब सा लगता है. सीधा साधा कल्पना कहिए ना. फॉर श्योर, आप भी तो मुझे आई मीन आप मत कहिए, मेरा शॉर्ट नेम है विम. पर सुनो, अगर मैं विमल कहूँ तो चलेगा? विम बड़ा विम पाउडर सा लगता है. मिलावट, मैं भी चाहता था कोई मुझे विमल कहे, ना कम ना ज्यादा. कितना अच्छा है यहाँ. बरसों पहले जो छूट गया था, लगता है अभी है. तो क्या सोचती है एडमिशन के बारे में? मैं हिंद से पूछ के तय करूंगी. यहाँ रहने का भी तो सवाल है. वैसे एक टर्म के लिए एडमिशन तो ले सकती हूँ. 6 महीने का एंट्री परमिट तो है मेरे पासपोर्ट पे, और फिर क्रिसमस के मौके पे वापस चली जाऊंगी. तो फिर कब मिलोगे? मैं फोन करती हूँ. सॉरी, नो फोन. फोन नहीं है घर पे. हाउ टू फोन? विल नेवर माइंड. मैं महीन से डिस्कस करने के बाद या तो सीधी इंस्टीट्यूट आ जाऊंगी या फिर बेस वाटर के ठिकाने पे. क्यों, क्या ख्याल है? ख्याल की तो सफाई कर दी आपने. टैक्सी. मैं कल की तरह आज भी 1 बजने को आया. कहाँ हैं हीरो साहब? वो 10 more minutes वो मेकअप करना है, मैं तभी आते हूँ. मैं बिल्कुल तैयार हूँ. मेकअप 1.5 घंटे से मेकअप कर रहे हैं यार. जाओ ना, उनको बुला लो. सत्यानाश बुलाएगा सारी लाइफ. सर वो पैकेज आपको तो पता है, बार बार किसी को भेजो तो वो खफा हो जाती है. एक्सेल में आपको खफा हो जाती है. अच्छा हर बार तो फिर हम भी अपने मेकअप रूम में जाते हैं. जब वो तैयार हो जाए बुला लेना. शर्ट रेडी है साहब. कमिंग. जी शर्ट तैयार है? हाँ सर, बिल्कुल तैयार है. तुम डालो उसका. यस सर. कौन सा मैम? ये जॉन सर. यहाँ से थैंक यू. वैसे आप यहाँ क्या करते हैं? ऐसे मैं भी एक राही हूँ भुगता हुआ. मेरा मतलब है एक तलाश में हूँ, एक खुली हुई सी फुटकी याद की. सही साहब की लाइनें कौन सी हैं? बाकी सही साहब की. हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि बेबी और चार आपकी मुश्किल में हल कर दू. बस सड़क नाता बाकी नहीं. मेरी गाड़ी में एग्जाम्पल रखे हैं. क्या बात है जनाब, बहुत ही दिलचस्प हस्ती नजर आते हैं आप. बिल्कुल इंडियन फिल्म के हीरो की तरह. याद की तलाश में मैं कुछ नहीं चले. वही सर का क्या है? क्या लाइनें लिखी हुई? मेरी लाइनें सारी ढीली ढीली और सारी पार्ट सही साहब की लाइनों में डाली हुई. वेयर इज मी इन इट? कौन सी लाइनें ये क्या है यहाँ? हमारे प्रोफेसर कहा करते थे कि बेबी और कार बस दोनों एक जैसे हैं. एंड दिस आप तो इंडियन फिल्मों के हीरो की तरह नजर आते हैं. सारे पंच वाले डायलॉग आप लोगों ने सपोर्टिंग एक्टर को दे रखे हैं और मेरी लाइनें बिल्कुल फ्लैट. जी नहीं, इनमें तो बहुत मीनिंग है सर. तुम चुप रहो जी, आई एम टॉकिंग टू द डायरेक्टर. क्या मीनिंग है डायलॉग्स में? बात यह महेंद्र जी को जो सईद जी का कैरेक्टर है ना, वो जरा बड़ा लाइट हार्टेड सा कैरेक्टर है. उसको एस्टेब्लिश करना यहाँ पे बात है. एट माई कॉस्ट अगर ये फ्लैट लाइनें बुलवानी है तो मेरी क्या जरूरत है? जी ये जो आपकी लाइनें है ना यहाँ से, ये देखिए कि एक भूली हुई सी याद की तलाश में हूँ,
जहाँ से आपके करेक्टर का डेफिनेट बिल्डअप शुरू होता है। ओ मायूस किडिंग यार, 15 सुपरहिट फिल्में देने के बाद आप मुझे सिखाते हैं कि डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं? सॉरी सर। लिसन, सुनो, ये जो लाइन है, हमारे प्रोफेसर कहा करते थे कि बीवी और कार दोनों बस एक जैसे हैं, पता नहीं कब बिगड़ जाएं। ये मेरा ओपनिंग डायलॉग होगा। और सही साहब कहेंगे, घबराइए नहीं, इंग्लैंड में कार चलाने के साथ साथ मैकेनिक बनना जरूरी है। सर एक बात, आई लाइक टू से वेरी रिस्पेक्टफुली कि आपका जो करेक्टर है वो सीरियस टाइप का करेक्टर है, और ये लाइन ही जरा लाइट हार्टेड सी। तो क्या हो गया, सीरियस आदमी लाइट हार्टेडली नहीं बोल सकता? ओके सर, और कुछ? हाँ, एक मिनट। हाँ, ये जो सही साहब की लाइन है, क्या बात है जनाब, बहुत ही दिलचस्प हस्ती नजर आते हैं आप, बिल्कुल इंडियन फिल्मों के हीरो की तरह, इसे आप काट दीजिए। एंड लेट हिम से डायरेक्टली, आपकी इस भटकी हुई तलाश में मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। दोनों कैरेक्टर्स में बैलेंस रखना जरूरी होता है ना, क्या समझ गए आप लोग? अच्छा, तो एक रीडिंग कर लेते हैं। यस सर, ओके। हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि बीवी और कार दोनों एक जैसे हैं, पता नहीं कब बिगड़ जाएं। पर घबराइए नहीं, इंग्लैंड में कार चलाने के साथ साथ मैकेनिक भी बनना पड़ता है, और शायद आपकी मुश्किल मैं ही हल कर दूं। माय लाइन सही साहब, वो जो पहला डायलॉग है ना जी, ये कि हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे बीवी और कार दोनों, वो गलती से आपको दे दिया था हमने, वो महिंदर जी को बोलना है। महिंदर जी को बोलना? ये वो डायलॉग तो मेरे पार्ट के कैरेक्टर से टूटा है। नहीं, वो ऐसा है जी कि आपका डायलॉग जहाँ से शुरू होता है जी, ये घबराइए नहीं, इंग्लैंड में कार चलाने के साथ साथ मैकेनिक भी बनना पड़ता है। आई सी, यू फर्स्ट देन। हमारे एक प्रोफेसर कहा करते थे कि बीवी और कार दोनों बस एक जैसे हैं, पता नहीं कब बिगड़ जाए। घबराइए नहीं, इंग्लैंड में कार चलाने के साथ साथ मैकेनिक भी बनना पड़ता है, तो शायद आपकी मुश्किल मैं ही हल कर दूं। थैंक यू। वैसे आप करते क्या हैं? अच्छा जनाब, बस सड़क नापता हूँ, क्योंकि नहीं, मैं दरअसल एक सेल्समैन हूँ। वो मेरी गाड़ी में जो सैंपल रखे हैं ना, उन्हें एक शहर से दूसरे शहर लोगों को दिखाने के लिए ले जाना पड़ता है, और आधे से ज्यादा वक्त सड़क पर ही गुजर जाता है। ओह आई सी। और आप? जी मैं भी एक राही हूँ, भटका हुआ। भटका हुआ क्या मतलब? भटका जी मैं, मेरा मतलब है एक तलाश में हूँ मैं। तलाश जी? एक भूली हुई भटकी हुई सी याद की। क्या बात है जनाब, बहुत ही दिलचस्प हस्ती नजर आते हैं आप, बिल्कुल इंडियन फिल्म के हीरो की तरह। आपकी इस भूली हुई भटकी हुई सी तलाश में मैं कुछ मतलब सही सर जी, वो जरा माफ कीजिएगा, यहाँ भी डायलॉग कुछ मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ से बोलना होगा कि आपकी इस भूली हुई भटकी हुई तलाश में मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। सीधे बात। ओह माय गॉड, ऑलराइट, यू आर द बॉस, लेट्स सी डन। आप जी? जी मैं झिझकिए नहीं, अपना नाम है कल्याण चंद्र। तो अपन राम बस लोगों को कल्याण करने में लगे रहते हैं, यानी फ्री सर्विस एब्सोल्युटली। ठीक है, या इसमें से भी कुछ काट लूं? नहीं जी सर, गुड, इट्स गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड। आइए तो अब एक रेस्ट कर लें। हां चलिए, आइए। ओके, रेडी फॉर द रीटेक प्लीज, न्यू स्लेट। मुझ पर कैमरा पैन होगा, एंड व्हेन आई फिनिश माय लाइंस, कैमरा ज़ूम कीजिए मुझ पर, और दैट इज द एंड ऑफ सीन। ओके, तो सारा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, तेवर कुछ टेढ़े नजर आ रहे हैं। हाँ यार, शॉट ने परेशान कर दिया सारा।
पर तुमने बहुत फर्स्ट क्लास शर्ट दिए। अच्छा, बहुत देर से आई हुई है क्या? नहीं, अभी आई हूँ। मैया जी नहीं आए? नहीं, अकेली आई हूँ। वहाँ छोड़ा ही उन्हें। वो पार्टी का इंतजाम कर रहे हैं। पार्टी? हाँ, आ रही हूँ ना। आज है? जी जनाब, इसी के तो याद दिलाने आई हूँ। प्रेस वालों को भी बुला रखा है और तुम्हारे साथ हीरोइन के तौर पर आने हूँ तो उसका अनाउंसमेंट भी ज़रा जोरदार होना चाहिए। तब तो आना ही पड़ेगा। जनाब, मैं खास तौर पर पार्टी की याद दिलाने आई हूँ, समझे? कितने बजे पहुँचना है? 8 बजे। रमेश ठीक 8 बजे तुम्हें लेने पहुँच जाएंगे। कम इन। Please. Yes, this is a room 725. Could you send me a cup of tea, please? Thank you. Hi. Hi. David? Yes, sir. Bring banana egg. बाथरूम रेडी करो। जी सर। कैसी रही शूटिंग? कैसी रहनी थी? कोई नई बात है क्या? बाथरूम रेडी कर दिया सर। ठीक है, how was your day? Hello, Sahib bhai, aa rahe hai na? Ji, Chinese food, bahut acha idea bhai sahab. Kitne baje aayenge? 8:30. Theek hai, hum log ready rahenge. Okay, see you. They claim it keeps more of its tread on the road in the rain than any other leading tire. सईद भाई का फोन आया था, वो 8:30 तक यहाँ रहे। बाहर चल के चाइनीज फूड खाने का प्रोग्राम है। और हम लोग तो नीलम की पार्टी पर जा रहे हैं। नीलम की पार्टी पर? वो तुमने कब तय की? अरे भाई, वो कल से फोन कर रही थी और आज शूटिंग पर भी आई थी। तुमने पहले तो मुझे कुछ नहीं बताया, मैं नहीं जाऊंगी। अरे बाबा, मैं कमिट कर चुका हूँ। मैं भी तो कमिट कर चुकी हूँ। आ गए हो? तुसी तैयार नहीं हो जी? जी, मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं जा पाऊंगी। आपके बिना तो रौनक खत्म हो जाएगी, प्लीज कल्पना जी। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं। चले? हाँ जी। ओके देन। अब मैं निश्चित ही अब इंडिया वापस नहीं जाऊंगी। महेंद्र के साथ स्विट्जरलैंड भी नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी और क्रिसमस पे इंडिया लौटूंगी और तब तक पेंटिंग की क्लासेस अटेंड करूंगी। आखिर मेरा भी तो कोई जीवन है। हेलो कल्पना। आइए भाई सर। अभी तक तैयार नहीं हुई? महिंदा कहाँ है? जी, वो ही हैड टू गो पार्टी नीलम के यहाँ। किसके यहाँ? नीलम। नीलम, I see. तुमने गई? नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं थी जाने की। देखिए ना, किसी के भी यहाँ जाने का खुद ही प्रोग्राम बना लेते हैं, मुझसे पूछते तक नहीं। I'm really tired of all this. जैसे कि मैं कुछ हुई नहीं। आइए अब बैठिए। नहीं यार, अब काफी देर हो चुकी है, अब हम लोगों को चलना चाहिए। बिल्कुल मन नहीं हो रहा। I'm really fed up.
कम ऑन कल्पना, डोंट बी सिली, अरे ये सब कुछ होता ही रहता है। महिंदर नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम खाना पीना छोड़ोगी। हम दोनों चलेंगे, चलो जी। देखो अकेले मैं चाइनीज खाना खाने नहीं जाऊंगा। अच्छा अब ऐसा कीजिए, ड्रिंक लीजिए, तब तक मैं तैयार हो जाती हूं। अच्छा जाओ जल्दी से। ओके, अगर तुम पेंटिंग क्लास अटेंड करना ही चाहती हो तो ठीक है, लेकिन कब तक रुकना चाहती हो? दिसंबर तक। दिसंबर तक? तो फिर हमको एक होटल छोड़कर सर्विस अपार्टमेंट तय करना ठीक रहेगा ना? लेकिन तुम बोर नहीं हो जाओगी इतने दिन? नहीं, I really want to do some serious work। अपना स्विट्जरलैंड जाने के बारे में क्या ख्याल है? मेरी कोई इच्छा नहीं, देखो टर्म स्टार्ट हो रही है, एडमिशन लेके क्लासेस ज्वाइन करूंगी। ठीक है, यूं भी मैं आने वाले महीनों में काफी आउटडोर में बाहर रहूंगा ना। नमस्ते कमल साहब। आइए। नमस्कार मैम। आप लंदन कब आए? जी कल ही आया, आपसे मिलना बहुत जरूरी। ऐसी क्या मुसीबत हो गई थी जो मेरे बंबई लौटने तक रुक नहीं सके? महेंद्र जी मैं 8 महीने से बंबई में आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बिजी बहुत है सर। चक्कर की यार, शूटिंग तो चल रही है ना? नहीं महेंद्र जी, किथे चल रही है, 8 महीने से डेट नहीं मिल रही है, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ जी। या तो जी चंदन लाल गाल की नहीं की थी? की थी सर, वो तो बड़ी डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। उनकी ना को कम है मिलना? कोई 3 हफ्ते और चाहिए जी, 2 सॉन्ग पिक्चराइज होना है और कोर्ट का सीन होना है जी और फाइटिंग के सीन बाकी। उन 2-3 दिन तो ज्यादा जी चांस है नहीं जी, तुझे जान दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चंदर। हेलो कमल जी, तुसी कदों आए? राती आए सी। यार चंदर, कमल जी नो 2-3 दिन आते डेट दे दे, ऐनी दूर आए ने। कमल जी तुसी चंदर नाल पैसे ऐसे दे गल कर लो, मैं होने आया, शूटिंग दे जाने तैयार हो के ना। ओके उसी डेट आंदी बात करने वास्ते इतनी दूर आए? मैं कीन कर रहा है चंदर जी, शूटिंग रुकी पड़ी है, 8 महीने से विनती कर रहा हूं सर, फाइनेंसर अलग मुकदमे चलाने की धमकी दे रहे हैं, मैंने जी उठे वहां मिलना मुश्किल होगा जी इतने आया। पैसे का इंतजाम किया आपने? चंदर जी मैं बड़ी सख्ती में हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर तब तक पैसे देने को नहीं बोलते जब तक और शूटिंग नहीं होती, तुसी मैंने सिर्फ 1 हफ्ता और दिला दो फिर जो मंगवाए दे दो। देखो कमल जी, इट इज बिजनेस, यूं ही 1 हफ्ते की डेट्स देना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। पिछले 50,000 मिलाकर आपकी तरफ 2,50,000 रुपए बनते हैं, जिसमें से आधे आप पाउंडा या डॉलर में दिलवाए। मैं कोशिश करूंगा, हाँ मेरे मेहनताने के 25,000 रुपए आरए इंडिया में दे सकते हैं। चंद्र जी मैं मर जाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूटर इस वक्त कुछ नहीं देने को कह रहे हैं, मैं घर और जेवर रखकर इस वक्त ज्यादा ज्यादा 1,00,000 रुपए का इंतजाम कर सकता हूँ, बाकी पैसे 1 हफ्ते बाद दे दूंगा, प्लीज हेल्प मी। क्यों भाई, कुछ फैसला हुआ क्या? मेरी मदद कर दीजिए महेंद्र जी, मैं इस शूटिंग के बाद आपके सारे पैसे दे दूंगा। यार गल की है, महेंद्र जी की तरफ 2,50,000 रुपए निकलते हैं फौरन, अगर हफ्ते भर की शूटिंग करनी है, 1,25,000 पाउंड 1,25,000 उत्थे, ये सिर्फ 1,00,000 का ऑफर कर देने। महेंद्र जी दया कीजिए, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, इस वक्त इतने ले लीजिए, शूटिंग होते ही मुझे 3 डिस्ट्रीब्यूटरों की इंस्टॉलमेंट मिल जाएंगी। अरे आप ये क्या कर रहे हैं, बैठिए बैठिए बैठिए, तुझे भी यार बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। चंदर ऐसा करो, उनको 1 हफ्ते की जगह पर 3 दिन की रेस्ट दे दो, या तो कोई सॉन्ग पिक्चराइज कर लेंगे या फिर कोई इंपॉर्टेंट सीन कर लेंगे। महेंद्र जी बस इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता, 50,000 रुपए का इंतजाम आप पाउंड या डॉलर्स में यहाँ कर दीजिए और बाकी 50,000 इंडिया में, और हाँ चंदर जी को देने होंगे तो वो अलग। कला की दुनिया है, कौन कहता है ताकतवर की कमजोर पर विजय, हमेशा हमेशा से चलता आने वाला सत्य, कठोर सत्य। हेलो महेंद्र जी, एम आई अर्ली?
No, not at all. भाई आज तो इंटरव्यू मुश्किल है, शूटिंग पर भी जाना है और फिर रास्ते में यूनिवर्सिटी भी ड्रॉप करना है। ऐसा कीजिए ना, आप हमारे साथ कार में चले चलिए, रास्ते में बातें होती रहेंगी और फिर शूटिंग पर भी। Oh, that's great. महेंद्र जी, ये वेस्ट के जो लोग हैं उनको हिंदी की फिल्में हैं वो अधिकतर बहुत वाहियात और अधकचरी लगती हैं, जबकि वो सचिन रे जैसे बंगाली डायरेक्टर्स की फिल्मों की तारीफ करते नहीं थकते। आपके ख्याल से इसकी क्या वजह हो सकती है? अजी साहब, वेस्ट वालों को तो हिंदुस्तान की भुखमरी और गरीबी देखने में ही मजा आता है। सत्यजीत रे की फिल्मों में यही सब तो होता है, इसीलिए सब टूटे पड़ते हैं उन पर, वरना उनमें रखा ही क्या है? ना म्यूजिक है, ना टेक्निक है, ना कोई कहानी है, वही बोरिंग सब्जेक्ट, वही बोरिंग बातें। हमारी हिंदी फिल्में तो टेक्निकली कई बेहतर होती हैं और हमारे चंद डायरेक्टर्स तो वर्ल्ड स्टेटस के हैं, लेकिन वेस्ट वालों को ये सब पसंद नहीं आते क्योंकि हम अपनी आम जनता के लिए फिल्में बनाते हैं जिसमें रोना धोना नहीं बल्कि कोई हंसी हो, मजाक हो, खुशी हो, कोई नाच गाना हो। भुखमरी और परेशानियां तो वैसे बेचारे देखते ही रहते हैं। Here is your seat. I think you'll find the program on the board in the lounge. Your class has probably started, but I'm sure they'll still let you in. Thank you. Okay. स्वागत। एडमिशन तो ले लिया पर मेरे पास तो ना रंग है, ना ब्रश, ना पेपर, ये सब चीजें कहाँ से आएंगी? आज इंतजाम कर लेते हैं, अब लंच के बाद बस एक प्रैक्टिकल क्लास बाकी है, उसे मिस कर लेते हैं और आपके लिए चीजें खरीद लेते हैं। चलिए, मैं एक अच्छी आर्ट शॉप को जानता हूँ। चलिए। अपना बकिंगम पैलेस देखेंगे, पास ही है। बकिंगम पैलेस यहाँ का? अच्छी, क्वीन का नहीं, अपना। आई सी, व्हाई नॉट। ये कपड़े ठीक हैं पैलेस के लिए? चलेंगे। कम आइए। ये किचन कक्ष, ये डाइनिंग कक्ष, और वो यू नो व्हाट, दैट इज पेंडिंग कक्ष, आराम कक्ष, शयन कक्ष, एंड दैट इज माय स्टडी। अब आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। मैं बनाती हूँ। नहीं, पहली बार आई हैं, आज मेरे हाथ की पीजिए, याद रखेंगी। कितने चीनी लेंगे? एक चम्मच। नहीं, दो। ओके। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। आपकी सारी पेंटिंग्स की नायिका क्या यहीं कहीं रहती? कहीं नहीं रहती, बस कल्पना है। बड़ी सुंदर है आपकी कल्पना। जी, आप सच कहती हैं, कल्पना वाकई बड़ी सुंदर है। पर सबके चेहरों पे उदासी से क्यों और आंखों में सोनापन सा? आप तो ऐसे नहीं है, बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं। थैंक यू। शायद विजिबल और इनविजिबल की बात है, ये पेंटिंग्स निश्चल हैं, एक फिल्म के अलग अलग फ्रेम्स की तरह। इनमें जान लाने के लिए एक बनावटी मूवमेंट की जरूरत है, जैसा कि एक फिल्म को प्रोजेक्टर से मिलता है। इन अलग अलग स्टिल चित्रों को शायद यह एहसास है कि एक प्रोजेक्टर के बिना वो अधूरे हैं,
इसलिए शायद वो उदास है, और हो सकता है यही आर्टिस्ट की इनविजिबल पर्सनालिटी है। और ज्यादातर ये न्यूड फिगर्स क्यों? कपड़ा ही तो प्रोजेक्शन का साधन है, और शायद आर्टिस्ट को एहसास है कि उसकी प्रेजेंटेशन के लिए साधनों की काफी कमी है, इसीलिए बदन जगह जगह उगले हुए हैं। आपको क्या इन कपड़ों इन साधनों की तलाश है? नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे तो बल्कि साधनों में अनरियलिटी लगती है। बिना ढका शरीर वास्तविकता है, नेचुरल है, और यही सुंदरता भी है। प्रकृति पर कोई तस्वीर नहीं बनाई आपने, यानी सिर्फ फूलों, पहाड़ों, जंगलों, झरनों वगैरह पर? फूल इतना रोमांटिक नहीं हो ना, लगता है आपको नेचुरल नजारे बहुत पसंद है। बहुत। ऐसा कीजिए, नेक्स्ट फ्राइडे स्कूल बंद है, मेरे साथ कंट्री साइड चलिए, ऐसी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी वाली जगहों पर ले जाऊंगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। चलेंगे? वेरी गुड आइडिया, होगी बात पक्की। महेंद्र भी कल स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, तो वक्त ही होगा। अच्छा, तो आप म्यूजिक में भी दिलचस्पी रखते हैं? या, यूं ही थोड़ी बात तुकबंदी कर लेता। अरे वाह, हो रही। तो क्या आप भी? जी, कभी कभी। वैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, यूं ही जरा लिखने और गुनगुनाने का शौक है। बन गई बात, आप अपने गीतों की डायरी ले चलिए, कुदरती बहार भी होगी, गीत संगीत भी होगा। तो हो गई बात पक्की? जी पक्की। एक बात और कहूँ? वो क्या? पिछली बार हम लोगों ने तय किया था ना आप बाप की छुट्टी करने का, तो उस पर भी अमल हो जाए। ओके, बात पक्की। चलो तुम्हें छोड़ा, ये हुई ना बात। It's really beautiful. पीछे की तरफ बहुत बढ़िया गार्डन भी है। I like it too. चिट्टू चोपड़ा का टेस्ट वाकई अच्छा है। अच्छा सुनो, शुअर तुम्हें डेविड नहीं चाहिए? देख लो, तकलीफ हो सकती है नौकर के बिना। क्या तकलीफ होगी, सभी कुछ तो है यहाँ पर, बहुत बढ़िया किचन है और फिर सर्विस का भी इंतजाम है। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी, और वैसे कभी कभी खुद बना के खाने में बहुत मजा आता है। As you please. अच्छा मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ, स्विट्जरलैंड जाके जरूर फोन करूंगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।
विमल एक ताजे और साफ झरने की तरह है, उसका साथ अच्छा लगता है, पर उसके लिए मन में फूटती है कमजोरी अच्छी चीज नहीं। कल्पना, तुम एक शादीशुदा औरत हो, लोग क्या कहेंगे, दोस्त रिश्तेदार क्या कहेंगे, मम्मी और पापा को पता चला तो? नहीं, ये अच्छी चीज नहीं। तुम्हें विमल के साथ अपनी करीबी को कम करना होगा। जानेमन जाने बुलबुल जाने तमन्ना, क्या हो रहा है? कहाँ से फोन कर रहे हो? अजी और कहाँ से जानेमन, आपका बंदा स्विट्जरलैंड से बोल रहा है। कि शूटिंग नहीं हो रही क्या? है शूटिंग है मलिक आलम, पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए दिल मचल रहा था इसलिए ठहरा है। अरे आज मामला क्या है, बड़े रोमांटिक हुए जा रहे हो। अजी कहाँ रोमांटिक होना है, मामला ये है कि बस तू जो पास नहीं है तो दिल है कि बस बस में नहीं है। आई सी। और आप अभी तक क्या कर रही हैं, इंस्टीट्यूट नहीं गई? नहीं बस मन नहीं हो रहा, इसलिए नहीं गई। और वहाँ स्विट्जरलैंड में क्या हाल चाल है, मौसम कैसा है? हसीन, बहुत ही हसीन। सच्ची? पता है मैं भी सोची थी कि एक दो दिन के लिए चक्कर लगा लूं। अच्छा देख लो, मैं शूटिंग में बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ और काम बहुत ज्यादा बाकी है, और शायद मैं तुम्हें ज्यादा वक्त भी ना दे पाऊँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारी क्लासेस कैसे? ठीक है, तुमने अपना टेलीफोन नंबर और रूम नंबर वगैरह तो दिया नहीं। हाँ लिख लो, एक मिनट। 0238456729 रूम नंबर 412। अच्छा लिसन कल्पना, मुझे शॉट के लिए देर हो रही है और मैं फिर बात। अच्छा मैं फिर फोन कर लूंगी। ओके बाय। कैन यू पुट मी ऑन टू एयर इंडिया प्लीज? गुड मॉर्निंग, I'd like to leave for Geneva tomorrow morning, please. Shall we take it then? Roll sound. Sound rolling. Camera. Speed. Action. Hi, handsome. Oh, cutie pie. What's your name? Where are you from? Bombay se aaya hoon, Johnny mera naam. Hi, handsome. Oh, cutie pie. What do you do? What's your occupation? हसीनों पे मरता हूँ यही मेरा काम, हे हे बम्बई से आया हूँ जॉनी मेरा नाम, हसीनों पे मरता हूँ यही मेरा काम, हे
बंबई से आया हूँ जॉनी मेरा नाम हसीनों पे मरता हूँ यही मेरा काम कमाल हो गई मजा आ गया जी हिंदी बोल रहे Hello. Hello. Who do you want? Can I speak to Mahindra? Just a second. Mahindra. I think it's your wife. Yes. Mahindra, who's there in your room? Nobody. Nobody at all. Ladki hai na tumhare kamre mein? Ladki. मुझे ही सुनी तुम्हारी बात लिसन कल्पना सुनो अच्छा सुनो तो तुमने फोन क्यों किया जस्ट टू टेल यू कि मैं कल सुबह स्विट्जरलैंड आ रही थी और अब नहीं आ रही व्हाई द ब्लडी हेल डू यू हैव टू पिक अप द फोन कोई जीवन है मेरी भी भावनाएं हैं इच्छाएं हैं सुख दुख हैं आज इतवार है मैं इस वक्त बेस वाटर रोड के अपने ठिकाने पे होगा टैक्सी कैसे हैं अच्छी हूँ और तुम ठीक हूँ बैठो ना बैठने की कोई बात अच्छा नहीं कब तक खाली होगी लो अभी खाली हो जाता हूँ कोई खास काम तो यूं भी नहीं क्यों इरादे क्या है यूं ही जरा सर्पेंटाइन पे टहलने की इच्छा थी जरूर लेकिन तुम्हारा हर्ज होगा उसकी परवाह मत करो तुम्हारे साथ ना जा सका तो मेरे मन को उससे कहीं अधिक हर्ज होगा मौसम अच्छा है ब्यूटीफुल सीन कल क्लास में क्यों नहीं आई मैंने बहुत मिस किया था नहीं
खाया ही नहीं है। खाया ही नहीं, कमाल है, मैंने भी नहीं खाया। अगर चाहो तो मेरे कमरे पर चलो, पास ही है, मैं ही कुछ बना कर खिलाऊंगा। मंजूर है? ओके। वो क्या, कहाँ? वो तुम्हारे पीछे स्टैंड पर, जिसे तुमने अभी भी ढकने की कोशिश की। वो यूं ही एक पेंटिंग है। नहीं पेंटिंग? हाँ, कोई खास नहीं। देखने दो मुझे। नहीं, उसे मत देखो। क्यों नहीं देखो? किसकी पेंटिंग है? वेल, वो ऐसा है, मत देखो उसे। क्यों, क्या बात है? अभी अधूरी है। तो क्या हुआ? हट। कितनी सुंदर पेंटिंग है। क्या तुम समझते हो मैं वाकई ऐसी लगती हूँ?
coming. बजे की शो के मिलना है, ले लूं? ले लो, 8:30 बजे के घर से निकले तो टाइम पे पहुंच जाओ। ओके, टू टेक स्पेस। थैंक यू। कम। अरे, तुम कब आए? 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। बड़ी देर हो गई इंस्टीट्यूट जाने में। वो आज कुछ खरीदारी करनी थी। ये विमल है, मेरी क्लास में है, मेरी शॉपिंग करवा दी और साथ में छोड़ने भी चले आए। माय हस्बैंड। ओह हेलो। हेलो। अच्छा अब जरूर कर लेंगे। चलिए चलने देंगे। जी नहीं, मुझे मुझे जल्दी है। नमस्कार। ओके मिस्टर कुमार। ओके। अचानक आ गए, खबर भी नहीं की। टेलीफोन किया था मैंने सुबह, पर तुम निकल चुकी थी। आज मैंने अपना काम खत्म कर दिया जल्दी और सोचा कि 2-3 दिन सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। बहुत परेशान किया है मैंने तुम्हें। खाया तो नहीं हुआ कुछ अभी? तो मुंह हाथ धो लो, मैं कुछ इंतजाम करती। ओके, मैं भी आया। Why is my heart so light? Why are the stars so bright? Why is the sky so blue? Since the hour I met you. चलो तैयार हो जाओ, बाहर खाना खाएंगे। पर मैंने तो खाने का ऑर्डर दे दिया, आता ही होगा। तो कैंसिल कर दो, बाहर खाएंगे किसी शानदार रेस्टोरेंट में। अचानक ऐसा क्या मूड कर रहा है, भूख नहीं लग रही? जाने मन मामला ही ऐसा है, सुनोगी तो फड़क उठोगी। क्या हुआ आखिर? बस मत पूछो, सेलिब्रेट करना होगा। बताओ ना। शानिमन, तुम्हारे इस गुलाम को हॉलीवुड की पिक्चर मिली है। डेविड राइस की नई फिल्म में हीरो का पार्ट ओवर हुआ है। सच? जी हाँ, अब मैंने ये साले द ग्रेट स्टार ऑफ इंडिया, दैट्स मी। अरे मेरी तरफ टकटकी लगा के क्या देख रही हो मेरी जान? चलो तैयार हो जाओ, वी आर गोइंग टू बी वेरी वेरी फेमस एंड वेरी वेरी रिच। सोचने लगे? कुछ नहीं। कम ऑन तो फिर।
कब शुरू होगी फिल्म? जनवरी में। खत्म कब तक होगी? 8-10 महीने लग जाएंगे। तुम्हारा काम कितना है? मालूम नहीं, सो जाना होगा। हर रात हो गई सुबह, पूरा दिन शॉपिंग करना है, रात को थिएटर जाना है, फिर परसों सुबह सुबह के फ्लाइट पे लेना है। तुम परसों जा रहे हो ना? घर जा रहा मेरी जान, रात ही बताया था। पर तुमने तो कहा था कुछ दिन बिताओगे मेरे साथ यहाँ लंदन में। तो फिर डांटो रहा हूँ, कल बुरा दिन बिताया, आज बुरा दिन, फिर कल सुबह। मेहन मैं भी साथ चलती हूँ। और तुम्हारी क्लासेस? क्लासेस को मारो गोली, हॉलीवुड के सामने क्लासेस की चीज है। तुम्हें जनवरी में ले चलता हूँ मेरी जान, तब के लिए तो प्रोड्यूसर ने खासतौर पर तुम्हें बुलाया भी है। ये अमेरिकी लोग बड़े अजीब होते हैं, बिना बुलाए किसी का आना पसंद भी नहीं करते। वैसे मैं भी कितना बिजी रहूंगा, नेशन वाइड रेडियो टेलीविजन पर इंटरव्यूज होंगे, पब्लिसिटी शॉट्स लिए जाएंगे, ये लोग काम के बाद पर्सनल बातें पसंद भी नहीं करते। तुम हीरो हो, कहो ना प्रोड्यूसर से। वो हॉलीवुड है मेरी जान। मेरा जीवन महेंद्र के साथ ही है, मुझे विमल को छोड़ना होगा। उसके साथ बिताए क्षणों को काल्पनिक हाथ से समझकर भूलना होगा। ये लो जाके, टाई तो नहीं चाहिए ना, बाकी सब टाइज मैं अंदर रख रही हूँ, पैक कर रही हूँ। ओके। बम्बई कब तक पहुंच जाओगे? कुछ 10 दिन में, दिवाली से पहले पहले पहुंचना बहुत जरूरी है। और देखो तुम भी दिवाली से पहले जरूर पहुंच जाना, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करना है आपकी बार। अच्छा, आपकी बार माता जी को भी बुला लेना दिवाली पे, पिछली बार भी नहीं आई थी। तुम्हें लिख दो ना चिट्ठी यहीं से। ठीक है, मैं लिख देती हूँ आज ही। कब की है दिवाली? 24 अक्टूबर की, पूरे 20 दिन बाकी है। और सुनो, 20-21 तक जरूर पहुंच जाना। अच्छा ठीक है, मेरी 5-6 दिन की शॉपिंग है बाकी सबके लिए, और कोई खास काम तो है नहीं, तो मैं पहले ही पहुंच जाऊंगी। ठीक लगता है? फर्स्ट क्लास। ठीक। अरे लगता है मिस्टर एंड मिसेस चौराड़ी आ गए। देखना जरा। Thank you.
क्यों नहीं, कल्पना आखिर एक शादीशुदा औरत है। उसकी दुनिया, उसके हालात दूसरे हैं। तुम्हें कल्पना को भूलना ही होगा। Can I speak to Mrs. Kumar, please? Apartment 16. Sorry, sir. No offer. Okay. Thank you very much. Yes, apartment 16, please. Sorry, no answer, sir. Thank you.
No answer. Can I speak to the manager, please? Just a moment. Good morning. Can I help you? Yes, please. I want to get in touch with Mrs. Kumar, please. Oh, she's away for the weekend, sir. Won't be back until Monday morning. Oh, I see. Okay. Thank you. कल्पना मुझे अवॉइड कर रही है. मैं अब उसे फोन नहीं करूंगा. Hello. Whom do you want, please? Can I speak to Mrs. Kumar, please? Mrs. Kumar, hold the line, please. Kalpana ji, aapka telephone. Mera telephone? Kaun ho sakta? Hello? Kalpana. Kalpana, mera dosh kya hai? Please. Oh, Mr. Mehra. I'm sorry, main institute aa nahi saki. मेरे पति आ गए थे, उन्हीं के साथ बिजी थी. जी हाँ, अब बंबई लौटना है. बस शॉपिंग वगैरह में मसरूफ हूँ. जी अब तो जाना है. दिवाली के बाद लौट के इंस्टीट्यूट आऊंगी. जी जरूर. ओके थैंक यू. वही तूफान उठे
विमल,
तुम प्रकृति की हरी भरी घाटियों के बीच लगातार बहने वाले झरने की तरह हो। तुम्हारे अमृत जैसे साफ जल को मैंने अपनी अंजलि में भर के पिया है। तुम्हारे स्पर्श ने मुझे जीवन का भास दिया है, पर मुझे ये मालूम है कि मेरे अगले जीवन की परिभाषा कुछ और ही होनी है। वो वैसे ही रहेगी जैसी थी। हमारे बीच जो संबंध बने वो बहुत ही पवित्र और पावन है। जीवन की सच्चाई इतनी साफ और सुथरी नहीं है कि उन्हें समेट सके, स्वीकार कर सके। हमारे संबंधों की इति जरूरी है अभी से, बस इतना। कुछ अपडेट मालूम पड़ रही हूँ, मामला क्या है? कुछ नहीं, पैकिंग कर रही थी। कहाँ से फोन कर रहे हो? बम्बई से मलिकालम, बम्बई से। कैसा रहा स्टेट्स में? ओह वंडरफुल, रियली वंडरफुल। क्या हंगामा रहा, उन लोगों का तो स्टाइल ही कुछ और है। आई टेल यू दिस मूवी इज गोइंग टू टेक मी टू द टॉप। ये साले अपनी इंडस्ट्री वाले देखते रह जाएंगे। कब लौटे? इतवार को। और आज फोन कर रहे हो? क्या करूं यार, फुर्सत ही नहीं मिल पाई। रिसेप्शन के ऊपर रिसेप्शन, पार्टी के ऊपर पार्टी, सारी बम्बई मुझे ऑनर करने के लिए निकली हुई है। दिवाली के दिन एक और बड़ी पार्टी एनके वालों ने रखी है। माता जी आ गई? आ गई जाने मन, बस तुम्हारा इंतजार है। तो फिर कब आ रही हो? कल शाम की फ्लाइट है, परसों सुबह 6 बजे बम्बई पहुंच जाऊंगी। तो शॉपिंग वगैरह पूरी हो गई? हाँ हो गई। और पैकिंग वगैरह करी कि नहीं? ऑलमोस्ट, कल सुबह तक आई बी रेडी। ओके डार्लिंग, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ओके, माता जी को पालागन कहना। बाय बाय। ऑलराइट। जी हाँ, पैकिंग तो हो गई सारी। 3:30 बजे की फ्लाइट है। वैसे भी 2 घंटे हैं बाकी, मैं सोचूं जरा एक बाजार का चक्कर लगा लूं। ठीक है, तो आपको 1:30 बजे मिलती हूँ। ओके मिसेस चौराड़ी। ओके जी, बाय बाय। तुमने जो लिखा ठीक है, पर मन में तुम्हारे साथ मत ये था कि हमेशा के लिए तोड़ने से पहले सिर्फ एक साथ थी, केवल एक बार फिर तुम्हें देखने की, आखिरी बार तुमसे मिलने की। मिल सकोगी? सिर्फ एक बार फिर, प्लीज।
मिल सकूंगी सिर्फ एक बार फिर प्लीज। What happened? कुछ नहीं आज नहीं जाऊंगी जी पर क्यों बस तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल फ्लाइट कैंसिल करवा दीजिए पर महेंद्र जी एयरपोर्ट पर उसकी आप फिक्र मत कीजिए मैं उनको फोन कर लूंगी आप आज की फ्लाइट कैंसिल करवा के कल की बुक करवा दीजिए ठीक है पर आपको डॉक्टर वगैरह मैं इन्हें लेके आता हूँ प्लीज डोंट बॉदर मैं जरा आराम करूंगी आप ये फ्लाइट का करवा दीजिए कल सुबह मैं खुद आपको फोन करूंगी हो जाएगा ना जी हो जाएगा ऑलराइट थैंक यू Oh.
क्या होगा? मेरे पास आ जाओ हमेशा के लिए। सचमुच मुझे हमेशा अपने साथ रखोगे? हाँ। अकेले हो तुम जानती हो, तुम्हें छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं, पर महेंद्र के साथ मेरी जड़ें इतनी फैल चुकी हैं कि उन्हें उखाड़ना आसान नहीं। क्या करूं? हे भगवान, मुझे शक्ति दो, रास्ता दो। मैं खो जाऊंगा तुम्हारे बिना, रुक जाओ। पर नहीं, शायद ये ठीक नहीं। मैं तुम्हें दे ही कह सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारे हर सुख से भरे पूरे जीवन से उखाड़ने का मुझे कोई अधिकार नहीं। ये खुदगर्जी होगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कुछ ही घंटे बाकी है, तुम्हारी कार के पीछे पीछे एयरपोर्ट चलूं तो कोई एतराज तो नहीं? मैं पूरी एहतियात रखूंगा, कम से कम तुम्हें कुछ देर और देखने का सुख तो मुझे मिल सके। अगर तुम बंबई ना ही जाओ तो आखिर तुम महेंद्र पर इतनी निर्भर क्यों हो? तुम्हारे और महेंद्र के बीच रही क्या गया है जिसे संवार के रखा जाए? तुम पढ़ी लिखी औरत हो, सबल औरत हो, अकेली अपने ही दम पर क्यों नहीं रह सकती? फिर विमल भी तो है, उसके साथ तुम्हारे संबंध, तुम्हारे अनुभव असली है। उनके बाद महेंद्र के साथ एक बनावटी जीवन जीना क्या छल और बाजारूपन नहीं? रह पाओगी तुम ऐसा जीवन? तुम्हें अपनी दिशाएं खुद ही ढूंढनी चाहिए। एक ढकोसले भरी जिंदगी जीते रहना कहां की मर्यादा है? हेलो, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया तबीयत को? हम सब एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे, मम्मी कितनी परेशान है मालूम?
I'm sorry. तुम्हारी तो सॉरी हो गई, बात खत्म। यहाँ सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। शाम को इंपा वाले पार्टी दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आ रहा है, सब गड़बड़ हो गया। आज की फ्लाइट तो ले रही हो ना? I'm not sure. What do you mean? तबीयत ठीक है ना आप तो? हाँ ठीक है। तो फिर आज की फ्लाइट लो। कह नहीं सकती। क्या क्या कह रही हो तुम? क्या प्रॉब्लम क्या है? हेलो, आर यू देयर? हाँ हाँ यस। तो जवाब क्यों नहीं देती? Are you coming tonight or not? I'm not sure. What is it, Kalpana? साफ साफ क्यों नहीं कहती? मैं कुछ सोचना चाहती हूँ। क्या सोचना चाहती हूँ? Something. What something? मैं, I can't come. What? What do you mean? मैं अकेली रहना चाहती हूँ। अकेली रहना चाहती हूँ? कहाँ? यही लंदन में। और मैं? What about me? I don't know. What you don't know? I'm your husband, damn it. We can have a divorce. What the hell are you talking? ये कोई joke है क्या? नहीं. I'm serious. मैं तलाक चाहती हूँ. Why? ऐसे ही. ऐसे? Why ऐसे? बोलती क्यों नहीं? Why ऐसे? I don't know. कोई और मिल गया क्या? जवाब दो. कौन है वो? विमल. विमल? कौन विमल? तुम जब स्विट्जरलैंड से वापस आए थे, तो वो ही मेरे शॉपिंग बैग लेके अंदर आए थे. Oh, that dirty, filthy little rat, that son of a bitch. महीन, हम दोनों का संबंध खत्म हुआ. मैं जा रही हूँ. कहाँ जा रही हूँ? कहीं भी. यहाँ नहीं रहूँगी अब. अभी. Listen, wait. You just can't go like that. I'm coming over. महीन, I must go. मैं इसी वक्त अपार्टमेंट छोड़ने जा रही हूँ. Wait, you stupid woman, wait. महीन, मैं जा रही हूँ. Bye. Hello? Operator, get me the number again. I'm cut off. Sir, ghanti baj rahi hai, par koi utha hi nahi raha. How can that be? Woh abhi bhi wahi hai. Get her. London, please do something. Mr. Kumar is a very big film star, you know. Look, my dear, your party may be a film star or the Prime Minister. If the London party isn't answering, I can't do nothing, can I? Sir, wo London ka operator bolta hai, ghanti baj rahi hai par. I know.